अभी हम खड़े हैं डोलेश्वर महादेव के जस्ट सामने, तो हमने यहाँ पर से पूजा का थाल ले लिया है और तो हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। पूरा ये लग रहा है रियल नेपाल। सो नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये हमारा डे टू काठमांडू में और आज हम जाने वाले हैं डोलेश्वर महादेव और भक्तापुर दरबार। और अभी कल तो हमारा सिर्फ दो ही हो पाया था बिकॉज़ हम बहुत थक चुके थे, तो हम दो ही साइट विज़िट कर पाए। वन इज़ पशुपतिनाथ एंड सेकेंड वन इज़ स्वयंभूनाथ स्तूपा। तो अभी हम एक थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, कॉफ़ी एंड समथिंग। सो उसके बाद फिर हम कैब देखते हैं, फिर देखते हैं कितना डिस्टेंस लगता है, देन फिर बताते हैं। हमने कैब करी है 3000 नेपाली में, जो हमें ले जाएगी डोलेश्वर महादेव, सांगला, भक्तापुर दरबार और लास्ट में बौद्धनाथ होते हुए फिर हमें ड्रॉप कर देगी। मैं हम जा रहे हैं और वहाँ जाएंगे ना डोलेश्वर महादेव। और ये आ गया है गेट और आप पढ़ सकते हैं, इसमें लिखा है श्री केदारनाथ सिर डोलेश्वर महादेव। आप देख सकते हैं हमने एंटर कर लिया जो मेन गेट था डोलेश्वर महादेव का उससे, और पीछे आप देख सकते हैं कितनी पूरी पहाड़ियाँ दिख रही है। सही बोलो तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपने गांव में ही आ गई हूँ। और अभी हम अंदर जाएंगे, अभी थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस है, फिर आगे जाके आई थिंक गेट है, फिर उसके अंदर आई डोंट नो मोबाइल ले जाना अलाउ होगा या नहीं। अभी हम यहाँ से फूल वगैरह ले लेंगे जो भी हमें चाहिए, फिर देखते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है सब, पूरा ये लग रहा है रियल नेपाल। मतलब ये ना थोड़ा शहर से दूर बहुत सुंदर है। आपको दिखा देती हूँ, ये है वो गेट जिससे हमने एंटर किया अभी, और जितना मुझे दिख रहा है यहाँ पे मतलब उतना वेल डेवलप तो नहीं है अभी यहाँ पर, मतलब आई थिंक अभी कंस्ट्रक्शन होगा धीरे धीरे। पशुपतिनाथ में आपको बहुत वेल मेंटेन कॉरिडोर टाइप था, तो यहाँ पर नॉर्मल है अभी सब चीज़ें। तो हमने यहाँ पर से पूजा का थाल ले लिया है और ये हमें पड़ा है इंडियन 100 रुपीज़ में, और इसमें सभी चीज़ें जो महादेव पर चढ़ती है, जैसे गाय का दूध है, बेलपत्र है, माला है और अगरबत्ती और एक फ्रूट है, तो ये हमें मिला यहाँ पर। ये और ये दिख रहे हैं हमारे नंदी जी, तो अभी आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं वो है डोलेश्वर महादेव, और ये एक हिंदू टेम्पल है। इसे माना जाता है कि केदारनाथ का हेड पार्ट है। तो पुरानी रिलीजियस बिलीफ के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जब पांडव ब्रदर्स हिमालय को प्रस्थान कर रहे थे आफ्टर जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था उसके बाद, तो वो शांति के लिए और मोक्ष के लिए हिमालय को प्रस्थान करते हैं, तो उस टाइम पर वो चाहते हैं कि लॉर्ड शिवा से उन्हें क्षमा मिले और एक तरह से जितने भी उनसे गलती से जितना अपराध हुआ है, जो हत्याएं हुई हैं उसका उन्हें मतलब उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो उस समय ये माना जाता है कि लॉर्ड शिवा वहाँ पर बुल के फॉर्म पे वहाँ आए थे, और पांडव ब्रदर को जब भी पता चला कि ये तो भगवान महादेव हैं तो वो उनको पकड़ने जाते हैं, और तभी क्या होता है कि जो उनका टेल पार्ट होता है वो तो हमारे उत्तराखंड केदारनाथ में रह जाता है, और जो हेड पार्ट होता है वो यहाँ है, माना जाता है कि वो यहाँ डोलेश्वर में है। तो अगर हम कोई भी आप चारधाम यात्रा कर रहे हैं और पंच केदार कर रहे हैं, तो ये हिंदू जो हमारे
हमारे चार धाम के लिए है और हमारा जो धार्मिक और उसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप यहाँ एक बार ज़रूर आए अगर आप आ सकते हैं। और तो हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी और हम टाइमिंग के अकॉर्डिंग भी बिल्कुल सही थे और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखकर। और क्योंकि एक तो महादेव का मंदिर है और अगर आप भी मेरी तरह महादेव के अपना मानते हैं और चाहते हैं कि जहाँ भी वो हो और वहाँ आप जा पाएँ तो आपको एक बार ये ज़रूर विज़िट करना चाहिए। बिकॉज़ मैं महादेव को बहुत मानती हूँ अपनी लाइफ में और मैं चाहती हूँ कि जहाँ भी वो हो, हर जगह, मतलब जहाँ भी महादेव का वास हो, वो मुझे बुलाएँ। सो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम हर किसी को आना चाहिए। और महादेव का नाम लेके हम निकल पड़ते हैं अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की ओर, जो है सांगा। यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है और जहाँ हमारी मुलाकात होने वाली है हमारे महादेव से एक बार फिर। तब तक के लिए इन नज़ारों का आनंद लेते हुए। ऐसा दिखता है थोड़ा लोकेलिटी आसपास का, स्टॉल्स है खाने का। ये है एंट्रेंस सांगला के लिए, अंदर जाके टिकट्स लिए हैं। ये हमें पड़ा है नेपाली 100 फॉर 1 पर्सन। आई थिंक यहाँ पे एक होटल एरिया है और यहाँ पे एक शादी भी हो रही है और अंदर चल के ये स्टैचू आ रहा है, हमें दिख रहे हैं महादेव की। देखो बहुत बड़ा स्टैचू है। अभी हमें सांगा भक्तपुर पे, और जो मेरे पीछे जो लॉर्ड शिवा का स्टैचू है वो वर्ल्ड्स टॉलेस्ट शिवा स्टैचू है, जो है 143 फीट हाई, और इसे कैलाशनाथ महादेव भी कहा जाता है। सो यहाँ पे इतना कुछ नहीं है, कैफ़े एरिया है और महादेव की बहुत टॉलेस्ट स्टैचू है यहाँ पर। और आप एक मतलब स्टेयर्स हैं, उसमें सारे आपको छोटे छोटे शिवलिंग मिलेंगे जो अलग अलग महादेव के नाम पे है। यहाँ देख सकते हैं शिवलिंग है, पूरा शहर भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ये है बुरास का फूल, एंड जैसे कि मैं उत्तराखंड से हूँ तो वहाँ भी खिलते हुए दिखते हैं। आज यहाँ दिखे तो एकदम से एक्साइटमेंट आ गई। पता चलता है कि इसी के आसपास एक सस्पेंशन ब्रिज है, तो बस उसी की ओर जाते हुए हम। सो अभी मैं जा रही हूँ सस्पेंशन ब्रिज की तरफ, और नेपाल में सस्पेंशन ब्रिज बहुत ही ज़्यादा फेमस है, हर जगह आपको मिलेगा, पोखरा में भी, यहाँ भी। सो एक यहाँ पर है, एंट्री फीस है NPR 20। हाउ इट लुक्स, इसी के साथ समाप्त होता है मेरे डे टू का पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको विजिट करवाने वाली हूँ 2 रॉयल सिटीज ऑफ नेपाल, जो है भक्तपुर और है काठमांडू दरबार स्क्वायर। तो तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और स्टे हेल्दी। जल्दी मुलाकात होगी।